बाली खादान को नहीं अशांत होबाक जाउछि केन्द्रापड़ा। दीर्घ दिन धरी शांत पड़ा केन्द्रापड़ा सहर पुणि एवं अशांत आड़क गति कर डेराबिस ब्लक अंतर्गत बसीपुर ठारे बहुचर्चित बिवादीय बालीघाट चलिबा घटना को केन्द्र करी सृष्टि होबाक जाउछि ग्यांगवार भली एक विराट परिस्थिति। जिला खणी अधिकारी रंजित कुमार बेहरा और सदर थाना अधिकारी विमल कुमार मल्लिकों सूचना अनुसार बहु दिन धरी पड़ रही बसीपुर बालीघाट पुणि चलवाप सरकार पक्ष निर्देश आलीघाटर जी अथॉरिटी जी तार मालिक माइनिंग ऑफिसर सी ऑर्डर करघाट चलो एवं कागजपत सब ठीक ठाक अच्छी जी बालीघाट चलेब से तार सब डॉक्यूमेंट अपडेट अच्छे से लीगली चलेब से बाबद माइनिंग ऑफिसर गोटे अर्डर कर बालीघाट चल दिजन पावर पैटर्न बालीघाटर जी लेसी सी आसी चलेबे ना उभय पक्ष गोष्ठी जो अच्छा माइनिंग ऑफिसर सहित आलोचना करी एवं से पक्ष माने आसते एथर माइनिंग ऑफिसर क्लियर कट इंस्ट्रक्शन जे जी द्विपक्ष जो अच्छा से क्या अलाउ करूना एवं निरपेक्ष लोक जी लेसी सी ही कागजपत्र अपडेट कर चलेब। तेज उक्त खादान को टेंडर नहीं केन्दुझर जिलार लेसी जोगेन्द्र बेहरा चलाई पारे और अन्य कहीं चलाई पारे ना एवं से ही स्थान को लेसी जोगेन्द्र बेहरा न आसी पावर ऑफ अटर्नी देथिबा प्रथम पक्ष माधव चंद्र प्रधान को न जणे कटक जिला असुरेश्वर गाँव द्वितीय पक्ष अब्दुल नियाज खां को कही खणी अधिकारी रंजित बेहरा तत्वावधान सहित सलासुत्रा कर जिला प्रशासन को फाइल ऑफिस रु हजि जाइथिबा भली एक संगीन संपूर्ण मिथ्या और कल्पकल्पित भूल तथ्यवली दे कोर्ट को भुआ बुलाई कोर्ट अनुमति को न माने द्वितीय पक्ष कड़े 15 लाख टंका लांच नहीं रंजित कुमार बेहरा सकल सकल पुणी बसीपुर बाली खादान चलाइबा को दुईटी ट्रैक्टर एवं प्राय 15 रु 20 जन लोक से ही स्थान रे ठूल करथिले। बसपुर बालीघाट जोगेन्द्र बेहरा नामक जने लेसी पाखु आम पार पाटनी आनीलु जहाँ तार गवर्नमेंट ड्यूज रही जहाँ जहाँ गवर्नमेंट राशि रही सब जाक आम प्रदान करूँ और गोटे वर्ष आम सुरखुरी चलई आसीचु किंतु वर्तमान देखा मिलूँ जे एबे जो खणी अधिकारी आसी रंजित कुमार बेहरा सी आमको कौन लिगाली कागजपत्र आमको सुजोग दे तो से आम जिला प्रशासन को जनइलु डेप्युटी डायरेक्टर ऑफ माइंस मुख्यमंत्री अभियोग प्रकोष्ठ में आम जनइलु किसी फलप्रद है तापर जो आम जा जनइलु आमको कागजपत्र दि जाऊ आम घाट चलाऊ समस्त राशि आम पैठ करूँ से आमको संपूर्ण भाव मना करदे तो रंजित कुमार बेहरा जी एडिशनल खणि अधिकारी अच्छा से किसी बाली माफिया एवं असाधु व्यक्ति मानक पाखु कोटि कोटि टंका आत्मसात कर आज आमको विरोध आचरण करते तो आम केन्द्रापड़ा सिविल जज एवं कोर्ट को आम जाए गोटे अपिल फाइल करूँ जे आम संपूर्ण गवर्नमेंट पैसा दे सारापर कौन भाव माइनिंग अफिसर आमको सहयोग करूना तो मान्यवर कोर्ट 19 तारीख दिन निजर पक्ष रखापी नोटिस जारी करो कोर्टे सिविल मैटर जिते बड़े केस हो सारी किंतु आमर जो रंजित कुमार बेहरा रही खणि अधिकारी मुहरे टंकार परिमाण एते मोटारे लगी से कोर्टर निर्देश को विक्षोभ कर आज आज सदर आईएसी नेतृत्व में आज घाट चलवाई योजना करते तो आम आज पहुँचवर कौन पचार सदर आईएसी कहे ना जोगेन्द्र बेहरा नामक व्यक्ति से घाट चलाउं तो आम पचार कोर्ट निर्देश रही 19 तारीख दिन आमर माइनिंग खणि अधिकारी जी से पक्ष रखापी जदि केन्द्रापड़ा जिले में कोर्ट को ऊपर कही ना तो कोर्ट को निर्देश को कौ भि भाव खणि अधिकारी खिलाफ कर जोर जबरदस्त कर आज जो कार्य करंदन तो आम आईन की कौन भाव हाथ को नापी चाहूना आम जिला प्रशासन को सहयोग कर असाधु व्यक्ति असाधु माफिया मान सहित पड़ से खणि अधिकारी कोर्ट को अर्डर को भूकेप कर कौन पर आज एटी जो घाट को आसी से मैंने जोर जबरदस्त कर घाट चलने जो उद्यम कर प्रश्नवाची सृष्टि करदी आज खणि अधिकारी इलिगली भावे जदि किसी घाट चलवाई से योजना करती तो आम मान्यवर कोर्ट को जनइबू एवं आमे मध्य आईन को हाथ को नाप पछक जीवना तेज द्वितीय पक्ष शेख अब्दुल नियाज खां द्वारा योजना प्रस्तुत करुवा बेले प्रथम पक्ष माधव चंद्र प्रधान एपरी एक सांघातिक बेआईन घटना घटना जा खबर पाई से ही बसीपुर घाट सनिकट पोल निकट में पहुंची एक सांबादिक सम्मेलन डाकि खणि अधिकारी एवं लेसी जोगेन्द्र बेहरा
ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ ପକ୍ଷ ଶେଖ ଅବଦୁଲ ନିଆଜ ଖାଁଙ୍କର ସମସ୍ତ ଗୁମର ଖୋଲି ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମ ପାଖରେ ମାଧବ ଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କର କୌଣସି ରେକର୍ଡ ନାହିଁ, ଆମର କୌଣସି ରେକର୍ଡ ନାହିଁ। ସେ ମାନେ ନୋଟାରୀ ଅଥରାଇଜ ନୋଟାରୀ ମାନେ ନୋଟାରୀ ମାଧ୍ୟମରେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ସେ କହୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟା ଆମ ପାଖରେ କିଛି ତାଙ୍କର ମାନେ ରେକର୍ଡ ନାହିଁ ଆମ ପାଖରେ କିଛି, ଆମେ ସେ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିନାହୁଁ। ଆମର ଯେଉଁଟା କୋର୍ଟରୁ ଆସିଛି ସିଭିଲ କୋର୍ଟରୁ, ସିଭିଲ କୋର୍ଟ ଯେଉଁ ଅନୁଗୁଳ ସିଭିଲ କୋର୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଆମେ ଜବାବ ରଖୁଛନ୍ତି 19 ତାରିଖ ଦିନ 19 ଡିସେମ୍ବର ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଜବାବ ଦେଇଦେବୁ। କ'ଣ ସାର୍ କୋର୍ଟରୁ ଆସିଛି, କେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗ? କୋର୍ଟରୁ ଗୋଟେ ଜଷ୍ଟ ଆସିଛି ଯେ ମାନେ ବସପୁର ଘାଟର ଇଏ ବିଷୟରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ କୋର୍ଟକୁ ଅବଗତ କରେଇଦେବୁ। ସାର୍ କିଏ ଆବେଦନକାରୀ କିଏ ରହିଛନ୍ତି? ଆବେଦନକାରୀ ମାନେ ପିଟିସନର ହେଉଛନ୍ତି ସେ ମାଧବ ଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ତେବେ ବାଲି ଖାଦାନ ଖୋଲାଯିବା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବନ୍ଦ ରଖାଯିବା ସହିତ ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର ଗ୍ୟାଙ୍ଗୱାର ଏବଂ ଗଣ୍ଡଗୋଳିଆ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ସଦର ପୁଲିସ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଏକ ପ୍ରକାର ସକ୍ଷମ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା। ଏପଟେ ବିଶେଷ ସୂତ୍ରରୁ ଖବର ପାଇ ସଦର ଥାନା ଅଧିକାରୀ ବିମଲ କୁମାର ମଲ୍ଲିକ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇ ଉକ୍ତ ଖାଦାନ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚି କାଳେ କୌଣସି ଗଣ୍ଡଗୋଳ କିମ୍ବା ଉଭୟ ଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟରେ ଗ୍ୟାଙ୍ଗୱାର ଭଳି ସଂଘର୍ଷ ପୁଣି ସୃଷ୍ଟି ହେବ ଭାବି ଉଭୟ ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ସେହି ସ୍ଥାନରୁ ପଠାଯାଇ ଥାନାକୁ ଡାକି ଆଲୋଚନା କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବାଲି ଖାଦାନ ଚାଲୁ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବନ୍ଦ ରଖିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଏପଟେ ସ୍ଥାନୀୟ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଉକ୍ତ ବାଲି ଖାଦାନକୁ ଲେସିଙ୍କଠାରୁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ପଡ଼େ ଲେସିଙ୍କଠାରୁ ପାୱାର ଅଫ୍ ଅଟର୍ନି ନେଇଥିବା ପ୍ରଥମ ପକ୍ଷଙ୍କୁ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼ାଇବାକୁ ଯାଇ କୋର୍ଟ ଅର୍ଡରକୁ ଅବମାନନା କରି ପୁଣି ଆଇନଗତ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରିବା ସହିତ ଲେସିଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ଦୀର୍ଘ 2 ଦିନ ଧରି ବାସ୍ତବତା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଖାଦାନ ନ ଚଳାଇ ମାନୁଆଲି କାଗଜପତ୍ରରେ ଖାଦାନ ଚାଲିଥିବା କଥା ନିଜ ମୁହଁରେ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ଖଣି ଅଧିକାରୀ ରଞ୍ଜିତ କୁମାର ବେହେରା। ତେବେ ଖଣି ଅଧିକାରୀ ଯଦି ଏପରି ମନମୁଖୀ କୋର୍ଟ ଆଦେଶ ନ ମାନି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି ତେବେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପୁଣି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ସହର ସମେତ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗ୍ୟାଙ୍ଗୱାର ସମସ୍ୟା ନିଶ୍ଚୟ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ବୋଲି ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ମହଲରେ ଏବେଠାରୁ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଲାଣି। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ସତ୍ୟରଞ୍ଜନ ସିଂଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ପ୍ରତିଦିନ ଟିଭି।